The formula is actually simple. अंदर से हील होते जाओ, बाहर के टारगेट्स हिट करते जाओ, मतलब manifestations करते जाओ. Congratulations if this video found you. आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो पिछले कुछ वक्त से मेरे साथ काम कर रहे हैं पर्सनली या इस चैनल के थ्रू. इस चैनल पे हम बेसिकली बात करते हैं कि हमें कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ मैनिफेस्ट करना है, अपना माइंडसेट बदल के कैसे हम अपनी लाइफ को आसान कर सकते हैं, अपने गोल्स को हिट कर सकते हैं, अपनी लाइफ में वो सब कुछ पा सकते हैं जो एक्चुअली हमारा बर्थराइट है और हमारे अंदर के ही कुछ बिलीव्स ने उस चीज़ों को होने से रोक के रखी हुई है. इसलिए मैं कहती हूँ कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ हीलिंग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. हम बात करते हैं कि कैसे हम अपना बेस्ट नेक्स्ट वर्जन बने, हम कैसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट और करिज्मेटिक बने, क्योंकि अब हम ये जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम ही पर काम करता है. द फॉर्मूला इज एक्चुअली सिंपल. अंदर से हील होते जाओ, बाहर के टारगेट्स हिट करते जाओ, मतलब मैनिफेस्टेशंस करते जाओ. और जब आप खुद को पीछे पलट के देखोगे ना, यू विल फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ. आप अपने ओल्डर वर्जन को थैंक यू बोलोगे वो सारे स्टेप्स लेने के लिए जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया. By the way, if you really want to awaken the inner genius within you, जो कि ऑलरेडी सबके अंदर हमेशा होता है, ये बुक बात करती है हीलिंग्स पर, आइडेंटिटी शिफ्टिंग पे और कुछ बहुत अच्छी सिंपल सी टेक्निक है, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला है टू मैनिफेस्ट योर नेक्स्ट बेस्ट लेवल वर्जन. आप इस बुक को Amazon पर Kindle और पेपरबैक दोनों ही वर्जन में ले सकते हैं. डॉक्टर जो डिस्पेंजा, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी है और इन्होंने एक इक्वेशन दी है जो कि बहुत सिंपल है. इनका कहना है योर पर्सनालिटी इज़ योर पर्सनल रियलिटी. आपकी जो पर्सनालिटी होती है वही आपकी पर्सनल रियलिटी होती है. अब अगर किसी की पर्सनालिटी बहुत फियरफुल है, इनसिक्योर है, एंशियस है, हर बात में डर लगता है, बहुत शाय है, बहुत जल्दी गिल्ट फीलिंग आती है, तो बताओ उनकी रियलिटी कैसी होगी. लेकिन अगर सामने वाला सिर्फ रियलिटी को बदलने की कोशिश कर रहा है और पर्सनालिटी पे काम नहीं कर रहा है तो सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट होने वाले हैं और कुछ नहीं. नॉट द सैड पार्ट कि उस रियलिटी को बदलने के लिए हम ये टेक्निक, वो टेक्निक, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन सब कुछ एक कर देते हैं पर खुद पे काम फिर भी नहीं करते. जी हाँ, मतलब धूल चेहरे पर होती है और आईना साफ कर रहे होते हैं. इसलिए जब मैं लोगों से कहती हूँ कि इनर वर्क करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, तो बहुत सारी बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इनर वर्क करना मतलब करना क्या, अपनी पर्सनालिटी पे काम करना मतलब एग्जैक्टली क्या करना है. तो जब लोग मेरे साथ पर्सनली काम करते हैं हम उनके स्पेसिफिक बिलीव्स पर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हमें इन जनरल सभी की बात करनी थी तो हमें कुछ बहुत सॉलिड के साथ आना था. तो अब हम पिछले कुछ टेक्निक्स जो हम फॉलो कर रहे हैं हम सारे डॉट्स कनेक्ट करने जा रहे हैं और इसीलिए हमने स्टार्ट करा रिवर्स टेक्निक से. हमने रिवर्स टेक्निक को इतनी बार रिपीट करा जब तक कि वो लॉजिक सबको समझ में ना आ जाए. रिवर्स टेक्निक क्या थी? डू नॉट चेज, प्रिफर्ड स्टेट में रहना, कि आप चेज मत करो. हाँ, चीज़ें कभी हमारे कंट्रोल में है, कभी नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ में खुश हैं. ये थी रिवर्स टेक्निक. आपने नोटिस किया हमने इस पे किसी टेक्निक पे काम नहीं करा, किसी डिज़ायर पे काम नहीं करा, हमने सिर्फ अपने माइंडसेट पे काम करा कि हमें अपने अंदर, अपनी बॉडी में, खुद के अंदर कैसे कंफर्टेबल और सिक्योर रहना है, खुद की खुशी को कैसे संभाल के रखना है. एंड विच इज़ वाई रिवर्स टेक्निक इज़ वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जैसे ही आप रिवर्स टेक्निक करते हैं यूनिवर्स को मैसेज जाता है डिटैचमेंट, लेट गो. आपने सबने सुन रखा होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जब बात होती है तो लेट गो, डिटैचमेंट कितना ज़रूरी होता है. लेकिन इस लेट गो और डिटैचमेंट को हमारे माइंड में सेट करने के लिए हमने रिवर्स टेक्निक को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करा. तो जिन लोगों को रिवर्स टेक्निक नहीं पता है क्या होती है उनको ये वीडियो आई बटन में मिल जाएगा, आप इसे जरूर चेक करें. फिर स्टेप नंबर 2 आई, 10 के अफर्मेशन चैलेंज. नाउ होल्ड ऑन, जिस इंसान को गाना सुर में गाना आता है ना वो कभी बेसुरा नहीं गा सकता. जैसे अच्छा डांस करना आता है वो कभी खराब नाच ही नहीं सकता. इन द सेम वे जिसे सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग आती हो वो कभी गलत टेक्निक बता ही नहीं सकते. मेरे सबलिमिनल्स इसीलिए इतने इफेक्टिव होते हैं बिकॉज आई नो हाउ योर और माय सबकॉन्शियस वर्क. तो फिर आया 10 के चैलेंज. 10 के अफर्मेशन चैलेंज था आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, मल्टीपल टाइम्स कीप रिपीटिंग इट, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी. अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा. अब ये जो 10 के अफर्मेशन चैलेंज आया, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्फ एंड आई कीप माई सेल्फ हैप्पी, इसने आपका फोकस बाहर नहीं अंदर की ओर शिफ्ट कर दिया, फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल. क्योंकि चेज एक्सटर्नल होती है, अट्रैक्ट इंटरनली होता है. इसलिए कहा जाता है यू अट्रैक्ट, यू डोंट चेज. तो फर्स्ट स्टेप थी रिवर्स टेक्निक, फिर आया
10 की अफर्मेशन चैलेंज, उसके साथ साथ चल रहा था सेल्फ लव कि आप भले ही कितना भी टेक्निक कर लो, माइंडसेट पे काम कर लो, पर कभी कभी डिप मोमेंट्स आएंगे, और जब डिप मोमेंट आएंगे, जब आपके वाइब्रेशंस लो होगी, जब आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा होगा, कोई हर्ट कर देगा, कोई हिट कर देगा, कोई वीक मोमेंट आ जाएगा, उस मोमेंट पे आपको सेल्फ लव की ज़रूरत पड़ेगी। सेल्फ लव से रिलेटेड वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको यहाँ मिलेगा। नाउ सेल्फ लव इज़ to stay with yourself in your bad days. Self-love is not makeup karna, affirmations dete rehna. Self-love is takleef ke dinon mein, kharab dinon mein, bure dinon mein, khud ke saath rehna bina criticism ke. Khud se ye ummeed na karna thodi der ke liye ki jab tum itne achhe ban jaoge, jab tumhe sab pasand karenge na, main bhi tumhe tabhi pasand karunga. Ye self-love nahi hota. Self-love, haan, aaj ka din bahut achha nahi tha, par main tumhare saath hoon. Ye hota hai self-love. तो यहाँ पर फिर से हमारे माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ लव और रिवर्स टेक्निक ने काम करा कि हाँ, दिस थिंग इज नॉट परफेक्ट बट आई एम स्टिल गुड, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। और नंबर 4 कि जब आप खुद पर काम करेंगे, यूनिवर्स विल डेफिनेटली गोइंग टू टेस्ट यू। जिंदगी हमेशा इम्तिहान लेती है और वो जरूरी है, उसको होना ही चाहिए, उसको होना होगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि जब वो टेस्ट चल रहा हो तब हम अपना ध्यान रखें। अब आपको सिर्फ इस रूटीन पर स्टिक रहना है, आपको सिर्फ ये चीज़ें फॉलो करनी है। कैसे? देखो, अगर मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ, मैंने एक नया रूटीन फॉलो करना स्टार्ट करा है और मैं रोज़ रोज़ प्रोडक्ट चेंज कर रही हूँ, तो मेरी स्किन रिएक्ट कर जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इन द सेम वे, अगर आप रोज़ टेक्निक्स चेंज कर रहे हो तो आपके सबकॉन्शियस को टाइम ही नहीं मिल रहा उसके साथ एडजस्ट करने के लिए, उसको तो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है। तो आप एक रूटीन फॉलो करो, रिवर्स टेक्निक, 10K affirmation challenge, self love, इस पर stick रहो and allow your subconscious mind, your conscious mind to align with it. All you have to do is master one thing. एक चीज को master करते जाओ। master करने के लिए किसी भी चीज को sufficient time देना, उसको practice करते रहना, उसको repeat करते रहना जरूरी होता है। I'm sure आप सब ने सुन रखा होगा, practice makes मैन परफेक्ट। मेरा इसमें ओपिनियन थोड़ा सा अलग होता है कि हर वो चीज़ जिसे आप मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते हो वो परमानेंट होती है। हमारे नेगेटिव बिलीव्स हमने लाइफ टाइम प्रैक्टिस कर रखे हैं। जब हमें माइंडसेट शिफ्ट करना है, जब हम बिलीव्स को शिफ्ट करना है, तो हमें उसे भी मल्टीपल टाइम्स रिपीट करना होगा। मगर ये आसान हो जाता है जब हमारे पास सही गाइडेंस हो तो। अब आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए गोल सेटिंग, कि आपको आपको लाइफ में क्या चाहिए। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। तो आप ये स्टेप्स फॉलो करें, अपना ध्यान करें, एंजॉय योर मैनिफेस्टेशंस। सी यू।